हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि बिंदु एक्स का वाई बिंदुओं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बिंदुओं ए कामा जीरो तथा जीरो कामा बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर एक। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, 4 नंबर का आता भी है, 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको सीखना आपका काम बनता है और सिखाना हमारा काम, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। कंडीशन तीन का एक दो ही, इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो कह देगा आपसे कि यदि यदि बिंदु एक्स कामा वाई ए कामा जीरो जीरो कामा बी, ये तीन बिंदु दिए गए, और कह देगा संरेख हो। यदि बिंदु इतने 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 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए, क्या देगा, सिद्ध कीजिए एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक। समझ लो आप लोग, यह सिद्ध करवाएगा, या तो ऐसे दे देगा या कह देगा एक रेखा में हो। मतलब इसका मतलब समझ लो पहले, यहाँ पर आपसे क्या सवाल कह रहा है, ये देखो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदुओं जे कमा जीरो जीरो कमा बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, जैसे ए कमा जीरो यहाँ पर है, जीरो कमा बी यहाँ पर है, एक ये बिंदु है आपका, एक ये बिंदु है, और इनको मिलाया गया एक, तो इस ही रेखाखंड पर एक बिंदु आपका है एक्स कमा वाई, ऐसे कह रहा है, मान लो कहीं पर भी है तो सिद्ध करना है। अब देखिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि संरेखी, मतलब एक ही रेखा में होना, इसको हम संरेख भी कह सकते हैं, या तीनों एक ही रेखा में है ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब क्या समझ रहे हो। या तो हम कह रहे हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में है। तो सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यदि बिंदु एक्स कमा वाई ए कमा जीरो जीरो का भी संरेख हो तो सिद्ध कीजिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस एक बराबर बराबर एक, ये सिद्ध करना है। तो चाहे आपसे पूछे कि रेखाखंड पर स्थित हो और चाहे आपसे पूछे संरेखी हो, सवाल लगेगा एक टाइप से ही, ठीक है। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बिंदु, क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे। बिंदु दिए गए हैं हमें एक्स कामा वाई ए कामा जीरो जीरो कामा बी, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बिंदु। बिंदु लिखने के बाद लिखेंगे इसके नाम, लिख देंगे कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेखी हैं, बिंदु संरेखी हैं, तो अब आप हमें सिर्फ एक बात ये बताइएगा, जब तीन बिंदु एक लाइन पर हो, जब एक बिंदु ये हो, एक बिंदु ये हो, एक बिंदु ये, तीनों बिंदु जब एक लाइन पर हो तो इन तीन बिंदु से कोई त्रिभुज बनेगा, तीन बिंदु जब अलग अलग हो तब एक त्रिभुज पॉसिबल है, फिर त्रिभुज बन जाएगा। अगर तीन बिंदु अलग अलग हैं तब तब तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, और जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, बताओ एक ही लाइन, तो आप में सिर्फ ये बताओ, तो जब तीन बिंदु एक ही लाइन पर हो तो क्या त्रिभुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो लिखेंगे बिंदु संरेखी है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, क्लियर। जब बिंदु संरेखी है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बटा दो, समझना बात, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री याद कर लेना, प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इक्वल, ये होता है बराबर जीरो। यहाँ तक क्लियर बात हुई। अब देखो यहाँ पे दो आपका ही यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू। अब देखो मान रख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर,
ठीक है, मान रख लेंगे यहाँ पर एक बटा दो ऐसे लिखा दो, जब तक इसको एक्स वन का मान कितना है एक्स, तो लिख देंगे एक्स। वाई टू का मान कितना है जीरो, माइनस वाई थ्री का मान बी, प्लस एक्स टू का मान ए, वाई थ्री का मान बी, वाई वन का मान वाई, प्लस एक्स थ्री का मान जीरो, वाई वन का मान वाई, वाई टू का मान जीरो, कोष्टक बंद रहा जीरो, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर दो यार, एक बटा दो एक्स का गुणा जीरो में करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा अगर जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। एक्स का गुणा बी में करेंगे तो आपका माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का एक्स बी हो जाएगा, प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए का वाई में करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, जीरो का पूरे में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको कोष्टक बंद करेंगे बराबर जीरो हो जाएगा। एक बटा दो गुणा करेंगे जीरो में तो जाएगा आपका माइनस का एक्स बी प्लस ए बी माइनस का ए वाई इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन यहाँ तक आ गई है, लेकिन यह सवाल अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसको हम आगे लिखेंगे अब, ठीक है, अगले पेज पे लिखेंगे इसको। माइनस का एक्स बी प्लस ए बी माइनस ए वाई, प्लस ए बी माइनस ए वाई बराबर जीरो आ गया। हमें लाना क्या है वो भी देखो, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक, हम एक साइड में लिखे देते हैं, लाना है हमें एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक, ये हमें लाना है हल करके, ठीक है, लास्ट तक इसको सॉल्व करना है। देखिए अपान में ए बी कैसे आएगा, अगर हम लोग क्या करें, हम लिख दें ए बी समीकरण में, समीकरण में ए बी से भाग देने पर, क्या करने पर, ए बी से भाग देने पर, ए बी से आप लोग भाग कर दीजिएगा, भाग कैसे करेंगे समझो, यहाँ पर माइनस एक्स बी अपान ए बी प्लस ए बी अपान ए बी माइनस ए वाई अपान ए बी बराबर जीरो बटे ए बी, हमने सभी सभी में ए बी से भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद बी से बी कैंसिल, ए से ए, बी से बी, यहाँ पे बचा आपका एक, ए से ए कैंसिल, क्या बचा टोटल, माइनस एक्स अपान ए प्लस एक माइनस वाई अपान बी इक्वल टू जीरो, में किसी भी संख्या से भाग दोगे आप जीरो ही आएगा, ठीक है, क्लियर बात। अब माइनस का एक्स बटा ए है उधर लेके जाएंगे उस साइड में, एक यहाँ पर रखो आप बराबर, तो माइनस का एक्स अपान ए उधर लेके जाओगे साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स अपान ए, माइनस का वाई अपान बी है उधर लेके जाओगे साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का वाई अपान बी, एक साइड में लिखा हुआ है इसको लिखा है दो, तो आपका आ गया एक बराबर एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी, या ऐसे लिख लो या आप इसको लिख सकते हो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक, ठीक है, चाहे आप इसको इस टाइप से लिख लो, ये आपका हो जाएगा सिद्ध, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो आपका सवाल सिद्ध हो गया है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीटली सीख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।